थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी और ये लोगों के दिलों को छू गई, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और हमारी टीम के लिए नहीं हो सकती। आज उसी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारी ऑडियंस का और आप सब लोगों का जो आप लोगों से इतना प्यार मिला। बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी इतनी जो एनर्जी है, जो इतनी पॉजिटिव थॉट है, जो वो इतने पैशनेट है अपने काम को लेके, उसके पीछे राज क्या है? क्योंकि हम भी एज एन एक्टर ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो पैशनेट वो पैशन कहाँ से आता है वो हमें जानना है। चलिए, बात काफ़ी अच्छी हो चुकी है, इसके अलावा सक्सेस के बाद और क्या कुछ प्रोजेक्ट हमें आपके जी मैंने अभी दो फिल्में साइन की हैं जिसके अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है और इसके अलावा मेरी दो वेब सीरीज आ रही हैं, एक अमेजोन पे आ रही है, एक नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने वाली है। किस तरह के सेट्स में आप खेलेंगे? एक में मैं आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ और दूसरी एक सस्पेंस थ्रिलर है जो मनोज वाजपेयी और मैं उनके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली मैं शूट कर रहा था। कॉन्ट्रोवर्सी के बाद आई थिंक फाइनली हमारी फिल्म रिलीज़ हुई एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ द वेट, क्योंकि ऑडियंसेस को बहुत पसंद आई एंड दैट्स वाई हम सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, वे सेलिब्रेटिंग है। बट आई थिंक आप कभी भी किसी फिल्म का हिस्सा होते हैं और अगर वो फिल्म अच्छा करती है तो सबको अच्छा लगता है एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर द होल टीम, स्पेशली विवेक, बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए एंड आई एम रियली ग्लैड पीपल हैव लाइक्ड इट। मनोज भैया आ रहे? हाँ ये आ रहे, चले चले। थैंक यू। आइए सर। मनोज सर, मनोज सर, मैं मैडम बोलिए। फाइनली फिल्म की सक्सेस पार्टी के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, फिल्म का कॉन्ट्रोवर्सी में रही, फिल्म को रिलीज भी हो दिया गया, अब हम सभी यहाँ पे सक्सेस पार्टी पे, तो बताइए क्या कुछ फीलिंग है आप लोग, क्या कह रहे हैं?
बहुत अच्छा हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी एक बार तारीख डिसाइड हुई और फिर दोबारा तारीख डिसाइड हुई और दोबारा डिसाइड होने के बाद जो रिज़ल्ट मिला है देश में विदेश में सभी को सभी दर्शकों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है और आज भी उसकी सराहना हो रही है, हम बहुत खुश हैं। देखिए जब दिक्कतें आती हैं तो कामयाबी की गारंटी हो जाती है, तो ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, लोगों के दिलों तक पहुंचने की बात थी तो दिक्कतें तो आनी स्वाभाविक थी, लेकिन उसके बाद में लोगों के दिलों तक जो पहुंची है, और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म ऐसी है जो आपको आगे ले जाती है, आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेशन देती है, तो इस फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह ना देखें, और लोगों ने देखा भी नहीं है, जो लोग फ़ोन करके बताते हैं लोग इंस्पायर होते हैं कि एक व्यक्ति की जर्नी इतनी लंबी कैसे हो सकती है, तो हर आदमी अपने आप में वो संभावना देखता है, ये फिल्म संभावनाओं की फिल्म है, ये अपने भीतर जाकर देखने की फिल्म है कि आपके अंदर एक मनुष्य के अंदर कितनी संभावनाएं हैं कि आदमी कहां से निकलकर कहां तक जा सकता है। सो ये सक्सेस तो ये फिल्म तो अभी भी लोगों के दिल में रहेगी, स्क्रीन से उतर जाए दिल से नहीं उतरेगी, और इसके आगे कुछ और आने की संभावना तो ज़्यादा मजा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो, सी जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है और इट इज़ गॉट सम रिकग्निशन, थोड़ा बहुत अच्छा रिसीव होता है, तो एज एन एक्टर यू ऑलवेज फील गुड अबाउट इट, यू नो यू ऑलवेज फील कि थोड़ा कम हो गया, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा लगता, यू नो। लेकिन अभी ये सक्सेस पार्टी के लिए बुलाया है और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भी कोई फिल्म जिसमें तुमने काम किया उसको सक्सेस मिले, लोग देखें, तो इट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी एल्स। वेल, हम लोग सब आए, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक है, लेकिन बट आई एम श्योर कि आई एम ट्राइंग टू गो एंड मेक अप ऑल द टाइम दैट आई हैव लॉस्ट, यू नो, आई एम गोना हैव अ गुड टाइम। आचार्य जी, काफी प्रॉब्लम के बाद फाइनली फिल्म रिलीज एंड सक्सेस भी हो गई है फिल्म, तो आपको बताइए क्या कुछ मिलेंगे आप पीएम नरेंद्र मोदी? देखिए, सक्सेस हो गई यही सबसे अच्छी फीलिंग है, कोई भी काम जब हम करते हैं सबसे पहले हमारी नीयत यही रहती है कि वो सक्सेस हो जाए, और आज हम सक्सेस पार्टी में खड़े हैं और बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं संदीप सिंह को, बहुत मेहनत की उन्होंने और इस फिल्म को बहुत तकलीफ़ों से यहां तक पहुंचाया, अंजाम दिया, मालिक उनको और इससे बड़ी कामयाबी दी। बताइए सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो चाहते थे कि दुनिया को मोदी जी की स्टोरी पता चले, वो चाहे देर सवेर पता चली, और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, जब थिएटर से लोग बाहर निकले तो उन्होंने सच में उस चीज़ को सुपर बोला कि उनको एक्चुअल में जो स्टोरी चाहिए थी वो उनको मिली, और हम लोग आज उसी सक्सेस पार्टी पे हैं और हमें बहुत खुशी है। सभी लोग इंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। थैंक यू। हाँ भाई, इधर इधर। रवि। सर,
थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पहले क्या हो भाई, अरे आनंद भाई आ गए आप, ठीक है ना, सब लाइफ में खुश रहने का। थैंक यू आज दर्शन आ जाए, अरे आ जाए ना दर्शन तो संदीप आ जाए भाई। थैंक यू बस ओके भाई को देख के सर पिक्चर यानी 80 जगह खत्म हो गया, अभी खाली 10 दिन का शूट बाकी है, छोटा हुआ फॉलो कर रहा हूँ सब डिसिप्लिन में रखते हैं वो तो देखना जरूरी है, वो तो मेन हीरो है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं आपको देखूँ कि सामने देखूँ? यार बस ईश्वर को थैंक यू करता हूँ रोज़ कि इतनी मुश्किलें हमने फेस की, उसके बावजूद फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज़ मिली, सबका सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे लोगों ने वीडियोस भेजे कि फलानी जगह में स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है तो हम भेज रहे हैं, चाहे वो अबू धाबी में जब गए थे तब, या जब कनाडा में हुआ, या जब ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने वीडियोस भेजे या पोस्ट किए ऑनलाइन, और हिंदुस्तान में भी जब लोग भेज रहे थे कि भाई पिक्चर हाउसफुल चल रही है, फिल्म के बाद नेशनल एंथम चला, लोग गाने लग गए पूरी देशभक्ति की भावना के साथ में, तो ये सब चीज़ें सुन के बहुत अच्छी लगी। लेकिन सबसे ख़ास मेरे लिए एक बात थी कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसने हमारी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी देखी, उसने कहा मुझे कि मैं ना हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो ये जो इम्पैक्ट एक रहा है इस फिल्म का, ये मुझे लगता है कि हमारा असली उद्देश्य था, एक इंस्पिरेशनल फिल्म बनाना, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाना, और बहुत प्यार मिला। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड टू ऑल द पीपल हु सपोर्टेड द फिल्म। जी हो गई और लोकसभा इलेक्शन में वो
नहीं यार, बहुत खुशी की बात है। मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं, लेकिन खुशी हमें होनी चाहिए, भारत को होनी चाहिए, क्योंकि एक जो एक भारत को नई बुलंदी पे ले जाना है, जो हमारी फिल्म में भी हमने एक डेडिकेशन दिखाया है मोदी जी का, वो पिछले 5 साल में जो उन्होंने किया है, शायद काफ़ी लोग कहते हैं कि 50 साल में भी हिंदुस्तान में वो सब नहीं हो पाया जो उन्होंने 5 साल में किया। तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि भारत को अभी GDP के हिसाब से कहते हैं कि 5वें स्तर पर है भारत, तो मुझे लगता है कि अव्वल स्तर पर ले आएँ, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा देश आगे बढ़ेगा। हम सब बहुत बहुत होप रखते हैं उनसे, बहुत आशाएं रखते हैं मोदी जी से, और मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह आशाओं पे खरे उतरेंगे। इसके अलावा और 2019 में और क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट देखने को मिले? तो पिछला साल बहुत अच्छा गया इनसाइड एज के लिए, हमें एमी नॉमिनेशन मिला, तो इसीलिए हमने बैक टू बैक 2 सीज़न शूट किए, सीज़न 2, और अब मैं सीज़न 3, जिस दिन एक्चुअली 24 को PM नरेंद्र मोदी रिलीज़ हुई थी उसी दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर इनसाइड एज सीज़न 3 शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है एक्सेल के साथ काम करना, पूरी टीम, करण अंशुमन, पूरे सारे एक्टर्स, रिचा, तनुज, इट्स लाइक गोइंग बैक होम। तो अब तीसरा सीज़न मैं शूट कर रहा हूँ, ये सीज़न फिनिश करने के बाद एकता के साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो मैं उसके बाद शुरू करूँगा, और एक दो चीज़ें हैं जिसकी अनाउंसमेंट आप शायद जल्दी सुनेंगे। यार ये लाइफ है, क्या कर सकते हैं, हैक हो गया हो गया, और सब जानते हैं बच्चन साहब को, और उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी गरिमा है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर कुछ भी मस्ती करने की कोशिश करे उनके अकाउंट के साथ, तो लोगों को तो पता ही चलता है, बहुत सारे लोग उनको, पूरी दुनिया फॉलो करती है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी एन इशू। हाँ, ट्विटर के लिए ये इशू है कि किस तरह से वो हैक करने के जो नए नए तरीके लोग लेकर आते हैं उन्हें रोकते जाएं तो बेहतर होते जाएं। और आप एक एक्टर, एक हस्बैंड के साथ साथ आप एक फादर भी हैं, 16th फादर्स डे भी आ रहा है, जी इसे कैसे देखते हैं आप, जैसे सेलिब्रेशन होने वाला है, और क्या कुछ कहना चाहिए फादर्स डे के मौके पर? मैं अभी वापस मालदीव से अभी भी आया हूँ, फैमिली को बहुत दिनों के बाद छुट्टी के लिए ले गया था, ये फिल्म के सक्सेस के बाद थोड़ा सा मैंने कहा कि मुझे भी ब्रेक लेना है, बच्चों को बहुत दिनों से समय नहीं दे पाया, और बहुत मज़ा आया उस वेकेशन में। वापस आते वक्त मेरे पीछे एक पायलट साहब बैठे हुए थे, ही वॉज़ ट्रैवलिंग बैक, और वो मुझे कह रहे थे कि, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं, दोनों बच्चे अगल बगल मेरे, मैं बीच में, और दोनों बच्चों के साथ मैं अलग अलग गेम्स खेल रहा था, ऐसी गेम्स जिससे शायद वो कुछ सीखें, बेहतर हों लाइफ में, और अच्छी अच्छी कहानियाँ, छोटी बातें, 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट में बैठे बैठे हम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही कि लोग अक्सर आईपैड हाथ में थमा देते हैं, या फिर नैनी मेड को पकड़ा देते हैं कि संभालो बच्चे, और अपने में लग जाते हैं, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि फादर्स डे पे यही है, एवरी डे इज़ फादर्स डे, और हर दिन अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे सकें, हम भाग दौड़ इतनी करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं, हम भूल जाते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरी फैमिली सबसे बड़ी वेल्थ है, और मेरे बच्चे खुश रहें, लोगों की दुआ बस यही लगे मुझे। जय हिंद, थैंक यू। Do you want a shine? Do you want a shine? Do you want a shine?
हाँ जी कॉन्ग्रेचुलेशन तो के बाद नहीं रिलीज होने दे दिया लेकिन उन सबके बाद के मौके पर हम सभी डायरेक्टर को बताइए कि हमको फील होती है बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि फाइनली वी गेट टू सेलिब्रेट. टेंशन थ्रू आउट रहा है मतलब शूट के वक्त और फिर बाद में रिलीज़ करते वक्त. रिलीज़ में तो पसीने छूट गए मतलब पूछो मत. लेकिन फाइनली ये जो मौका आता है इसके लिए हम रुकते मतलब पूरा हमारा क्रू यू नो और एक स्टार सब लोग रुके हुए थे कि हम सेलिब्रेट कब करें. फिंगर्स वे क्रॉस्ड कि वो जीते तो हमारी पिक्चर का भी यू नो फाइनली सक्सेस हमें भी दिखे. एंड ही वन फैंटास्टिकली लैंडस्लाइड विक्ट्री थी एंड वही हम सोच रहे थे कि उसका थोड़ा फ़ायदा हमको भी हो. एंड पिक्चर हमारी हमने दिल से बनाई थी और उस हिसाब से ही पब्लिक को पसंद आई. सीटी मार रहे थे यू नो तालियां मार रहे थे तो खुशी है उसको. नहीं अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं करूँगा क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट करता हूँ वो कभी होता नहीं है. तो जब होगा तभी अनाउंस करूँगा. हाँ वेकेशन गोवा में जाके सेटल आराम से सेटल होंगे. उधर घर खरीदा है तो वहाँ जरा मरम्मत करेंगे और नया घर बनाएंगे उधर. थैंक यू. खाली करो.